संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में आज इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के नेता पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में विपक्षी दलों के नेता जंतर मंतर पर सुबह से ही जुटने शुरू हो गए। पंजाब के मोहाली, हरियाणा के पंचकुला, चंडीगढ़ में भी कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन आज चल रहा है। आप ये मंच की तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली में, जहां पर शशि थरूर को आप देख रहे हैं, शरद पवार को आप देख पा रहे हैं, साथ ही अधीर रंजन चौधरी, मनीष तिवारी, तमाम जो वरिष्ठ कांग्रेस और बाकी दलों के नेता हैं, रणदीप सुरजेवाला दिख रहे हैं, डी राजा यहां पर नजर आ रहे हैं, तो वो इस वक्त जंतर मंतर पर प्रदर्शन यहां पर विरोध करने के लिए पहुंचे हुए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी कार्यक्रम है, अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम है। विपक्षी दलों के अलावा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता जिले के पार्टी दफ्तर पर जुटेंगे, वहां प्रदर्शन करेंगे। साथ ही यूपी कांग्रेस के नेता लखनऊ के परिवर्तन चौक पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बिहार और झारखंड में भी विपक्षी नेताओं के प्रदर्शन की पूरी तैयारियां हैं। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के जीतू पटवारी, उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए जुटे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस के नाना पटोले के नेतृत्व में यही प्रदर्शन का कार्यक्रम वहां चल रहा है। और इधर हमने देखा कि लोकसभा में कल जब कार्यवाही शुरू हुई, गुरुवार को भी विपक्षी सांसदों पर कार्रवाई जारी रही और लोकसभा से गुरुवार को 3 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इस सत्र में, शीतकालीन सत्र में जो कि कल ही समाप्त हो गया, दोनों सदनों से 146 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। विपक्षी सांसदों का यह कहना है कि सरकार की तानाशाही है, सरकार का मकसद जरूरी बिलों पर बिना विपक्ष के साथ चर्चा किए उसे संसद से पास कराना था। मैसेज यही देंगे कि देखिए पार्लियामेंट तो काम करे, पार्लियामेंट के जो क्या अभी तक इतने सांसद कभी निलंबित किए गए हैं और कारण क्या रहा? कारण यह है कि हम चाहते थे कि जिस प्रकार से सदन में दो लोग घुसे, स्मोक बॉम्ब डाला, उस प्रकरण में गृह मंत्री जी का बयान होना चाहिए और उसमें भी बयान देने का उन्होंने मना कर दिया, तो क्या करें हम लोग? इस चीज के खिलाफ लामबंद होके एक आवाज से पूरे देश में संदेश भेजना चाहिए कि अगर इस देश में लोकराज को कायम रखना है, लोकतंत्र को कायम रखना है, तो सभी प्रगतिशील और राष्ट्रवादी शक्तियों को लामबंद होने की जरूरत है। लोकतंत्र की मां की हत्या हो गई है, अब लोकतंत्र की मां को पुनर्जीवित करना, क्योंकि विदेश जाते हैं तो सीना ठोक के बोलते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी से आया हूं, अब क्या सीना ठोकेंगे पीएम साहब? सर कल भी आपने मार्च किया था, कुछ ऐसा लगता है क्या सॉल्यूशन? नहीं, लोगों को संदेश जाएगा कि लोकतंत्र का जिबा किया जा रहा है, इट इज बीइंग असैसिनेटेड। और प्रशांत हमारे सहयोगी सीधा जुड़ रहे हैं दिल्ली में, जहां पर यह प्रदर्शन चल रहा है। प्रशांत, आप तस्वीरों के जरिए दिखाएं, क्योंकि हम मंच पे देख रहे हैं न सिर्फ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बल्कि यहां पर डी राजा दिख रहे हैं, शरद पवार दिख रहे हैं, विपक्षी सांसद भी दिख रहे हैं। किस तरह से पूरा प्रदर्शन वहां पर अभी शुरू हो चुका है? जी जी बिल्कुल जय, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे राहुल गांधी यहां पहुंचे हैं और इसलिए यहां पर कार्यकर्ताओं का की थोड़ी भीड़ है। और आप देख सकते हैं यहां पर राहुल गांधी की गाड़ी पहुंची अब से कुछ देर पहले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे थे। तो अब हम एक तरह से कह सकते हैं कि इस धरना प्रदर्शन की औपचारिक शुरुआत भी हो रही है, हालांकि नेताओं के भाषण पहले से चल रहे हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, शरद पवार कुछ देर पहले यहाँ पहुँचे थे। तो तमाम जो बड़े नेता हैं सभी पार्टियों के, वो यहाँ पहुँच रहे हैं दिल्ली में। आपको पता है कल ही संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, तो कई सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जा चुके हैं, लेकिन जो भी यहाँ दिल्ली में बचे सांसद हैं वो सब यहाँ पहुँच रहे हैं और तमाम पार्टियों के जो फ्लोर लीडर्स हैं वो सब यहाँ पहुँच रहे हैं। और सबने, आपने सुना अभी सभी नेताओं को, सब यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में सांसदों का निलंबन हुआ वो एक तरीके से लोकतंत्र के खिलाफ है,
और उनका ये आरोप है कि सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो महत्वपूर्ण बिल जो पारित किए गए उस पर विपक्ष की आवाज़ सामने आ सके। तो एक तरह से एकजुट करने की भी कोशिश है, अपनी एकजुटता दिखाने की भी कोशिश है इंडिया गठबंधन की इसी बहाने, और इसलिए तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब इंतज़ार है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सरीखे जो नेता हैं वो अपनी अपनी बात कहेंगे और वो क्या कहते हैं, ये अभी कुछ देर बाद उनका भाषण होगा। लेकिन एक तरह से जैसा मैंने कहा कि कोशिश ये है कि एकजुटता भी दिखाई जाए, न सिर्फ संसद के अंदर, और जो ये घटना घटी है इसके बहाने सभी दल एक बार फिर से साथ आएं और बीजेपी सरकार और नरेंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो आवाज़ है उसको, विपक्ष की आवाज़ को एकजुट करें। तो वही उसी प्रयास के तहत अभी जंतर मंतर पर यहाँ सभी नेता पहुँच रहे हैं। जी प्रशांत, यहाँ पर हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो आपने जो लगातार दिखा रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि संसद का सत्र की जैसे ही शुरुआत हुई और हम जानते हाल में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले जो चर्चा इंडिया गठबंधन के शिथिल पड़ने की बात हो रही थी, लेकिन अब ये जो सत्र शुरू हुआ और 146 सांसदों का निलंबन किया गया, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को उसको और मजबूत करने के लिए एक गोंद का भी इस मुद्दे ने काम किया है। बिल्कुल, देखिए वही मैं कह रहा था कि कोशिश भी यही है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई उसमें कई तरह की खबरें बाहर आई, कई तरह की खबरें चली। ये कहा गया कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से प्रस्ताव दिया मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का, उसको लेकर कुछ पार्टियों की नाराज़गी है, उसको लेकर कई पार्टियां सहमत नहीं हैं। लेकिन जहां तक इस मुद्दे की बात है, सांसदों के निलंबन की बात है, 146 सांसदों के निलंबन ने कम से कम संसद में और संसद के बाहर इस मुद्दे पर ज़रूर इंडिया गठबंधन को एकजुट किया है, इसमें दो राय नहीं है। तमाम पार्टियाँ यहाँ पहुँची हैं। आज जैसा मैं कह रहा था कि चूंकि कल ही संसद की कार्यवाही खत्म हो गई तो कई सांसद अपने अपने क्षेत्रों में चले गए, और कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि जो भी सांसद निलंबित सांसद हैं और जो नेता दिल्ली में मौजूद रहेंगे वो सब यहां पहुंचेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता यहां की कोशिश ये दिखाती है कि वो कोशिश यही कर रहे हैं जो आपने सवाल किया कि इंडिया गठबंधन को इसी बहाने एकजुट किया जाए। लेकिन हम बार बार देख रहे हैं कि जब मुख्य मुद्दे आएंगे, चेहरे का मामला आएगा, सीट शेयरिंग का मामला आएगा, कॉमन एजेंडे का मामला आएगा, उन सब बातों पर भी क्या यही एकजुटता कायम रह पाएगी, इसी पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन इस मुद्दे पर बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि सभी पार्टियां एक साथ हैं। तो यहाँ तो एकजुटता नजर आ रही है, विपक्षी सांसदों के निलंबन का जो मुद्दा है उसमें इंडिया ब्लॉक से जुड़े जो तमाम दल हैं उसके नेता हैं वो एक साथ हुए हैं, और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं राहुल गांधी भी वहां पर उस जहां पर ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उस जगह पर पहुंच चुके हैं। देखना होगा ये एकता आगे किस दिशा में आगे बढ़ती है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हसनैन मसूदी भी पहुंचे हुए हैं, उनसे बात की हमारे सहयोगी प्रशांत ने, वो भी साथ में सुनते हैं। आज इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने जो सांसदों का निलंबन हुआ उसके खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है। हम इस वक्त जंतर मंतर पर हैं, हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी साहब। सर क्या कहेंगे आप, क्यों आप लोग आज इकट्ठा हुए? ये सिर्फ निलंबन की बात ही है, ये सिर्फ सचमुची, अब ये जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसकी सर्वाइवल की बात है। देखिए ये हमारी डेमोक्रेसी की हिफाजत की बात है, ये सिर्फ वो तो एक सिर्फ एक मुद्दा है, लेकिन असल मुद्दा है, जो मूल मुद्दा है वो ये है कि कैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इसमें आगे मुल्क में रहेगी। और ये चुनौती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, जिस तरीके से 150 मेम्बरान को सस्पेंड किया गया और उनको जो वहाँ पर जो वर्क जो डिबेट डिस्कशन में उसमें हिस्सा नहीं देने दिया, तो ये चुनौती है हमारे लोकतंत्र के लिए। इसको कहाँ ले जाएंगे, इस प्रोटेस्ट को आप लोग कितने दूर ले जाएंगे? ये तो चलेगा, तो वहाँ सस्पेंशन तक महदूद नहीं रहेगा, ये सारे देश को सारे मुल्क को अवगत कराना, उनको खबरदार करना है कि क्या चुनौतियाँ हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। सरकार तो कह रही है कि अपमान हुआ वाइस प्रेसिडेंट का। देखिए अपमान हुआ है हाउस का, अवाम अपमान हुआ हमारे यहाँ के लोगों का, सारी जनता का, जिनको 45 करोड़ लोगों के नुमाइंदों को आगे आने नहीं दिया गया, 150 जो लोग हैं। तो बाकी हम किसी की दिलाजारी के हक में नहीं है, लेकिन असल अपमान तो हुआ जनता का, अवाम का। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जितनी भी पार्टियाँ हैं, ये केवल सस्पेंशन का मामला नहीं है, ये केवल सस्पेंशन का मुद्दा नहीं है, बल्कि अब लोकतंत्र बचाने का मामला है, ये कहना हसनैन मसूदी का।
नई दिल्ली से कैमरामैन मोरसेलिन के साथ प्रशांत, इंडिया टीवी।